जय मातरी। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो अजय सचदेवा में। आज जो मैं आपके लिए नया विषय लेकर आया हूँ, जनवरी 2020 में आपका राशिफल आपके लिए क्या रहेगा। हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातक के लिए। मेष राशि वाले जातक के लिए यह महीना जनवरी 2020 बहुत ही अच्छा रहेगा। कारोबार में उनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, स्वास्थ्य की ओर से भी कोई परेशानी मेष राशि वाले जातक के लिए नहीं है। अगर कोई जीवन साथी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी अपने आप ठीक हो जाएंगे इस महीने में। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2020 उन्नति और सुख का कारक बनेगी। उनके स्वास्थ्य की ओर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि उनको हल्का सा पेट दर्द आने की संभावना बनेगी इस महीने, लेकिन बिजनेस की ओर से देखा जाए तो कोई भी उनको परेशानी नहीं आएगी। जीवन साथी की ओर से भी उनको परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो जनवरी 2020 है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, लेते उतार चढ़ाव इस महीने में उनके ऊपर बिजनेस की ओर से बना रहेगा। सेहत पर ध्यान देने योग्य बात जरूर है कि उनको कान और गले का रोग आ सकता है। समाज में मान प्रतिष्ठा उनकी बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ कोई भी अनबन होने की कोई संभावना इस महीने नहीं है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के जातक के लिए जनवरी 2020 बहुत अच्छा आ रहा है। इनके लिए जो इनके पहले चल रही परेशानियां थी, वो अपने आप ठीक हो रही हैं। सिर्फ इनको अपनी सेहत पर ध्यान देने योग्य बात है कि सेहत के अगर थोड़ा सा लापरवाह होंगे तो उनको अपने सेहत की ओर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी कार्य इनों को नहीं करना, और कार्य जो भी करें थोड़ा सोच समझ कर करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले जातक, वैसे तो उनके ऊपर इस महीने कोई भी कारोबार की ओर से परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोगों के बहकावे में आकर कोई भी उन्होंने जल्दी में निर्णय नहीं लेना और अपने आत्मविश्वास बनाए रखना है। कोई भी निर्णय करें तो वो बहुत सोच समझ कर, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या वाले राशि वाले जातक के लिए जनवरी 2020 ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनको जो भी कार्य करना है उनके लिए उनको सोच समझ कर कार्य करने पड़ेंगे। अपनी सेहत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पेट दर्द, सिर दर्द और बदन दर्द होने की संभावना उनको बनी रहेगी। अगर वो जल्दी में कोई कार्य कर रहे हैं या निर्णय कोई ले रहे हैं तो भी उनको 15 जनवरी के बाद ही कोई फायदा मिलेगा, उससे पहले उनको फायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2020 बहुत ही अच्छा आ रहा है, और उनके जो पहले रुके हुए कार्य थे वो चलना शुरू हो जाएंगे। धन के संबंधी उनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और थोड़ा अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा बचकर रहना है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए अपने शत्रु उनके या जो गुप्त शत्रु उनके नुकसान करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई कोशिश करते रहेंगे। स्वास्थ्य की ओर से उनको कोई भी परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये जनवरी 2020 बहुत अच्छा है। इस महीने में उनके ऊपर कारोबार की ओर से धीरे धीरे से उनको थोड़ा फायदा मिलेगा, और अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल उनको रखना पड़ेगा। अगर उनकी वाणी बिल्कुल मधुर या उनकी वाणी बोलने का तरीका थोड़ा तेज हो रहा है तो वो नुकसान हो जाएगा। उनको मधुर रखनी है, धीरे बोलें और अपनी सेहत का ध्यान जरूर दें। धीरे धीरे से इनको वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि वाले के लिए। धनु राशि वालों के लिए जनवरी 2020 थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है। जितना भी वो कार्य कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा, और अपनी स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देने योग्य है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और जितनी भी जल्दी से लापरवाही से अगर कार्य करेंगे या लोगों के बहकावे में आकर कार्य करेंगे धनु राशि वाले जातक के लिए, वो नुकसान पीरियड रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए सामाजिक अगर तरीके से देखा जाए तो समाज के तरीके से तो मान प्रतिष्ठा में कोई भी परेशानी नहीं है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, थोड़ा सा टाइम संघर्षपूर्ण है, लेकिन कारोबार के अंदर ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जो भी वो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में अच्छी योजना बनाकर अगर कार्य करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए फायदा मिलेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि अगर देखी जाए जनवरी 2020 बहुत ही अच्छा टाइम लेकर आई है। इस राशि वाले जातक के लिए वाहन सुख, धन सुख, मकान सुख के योग बन रहे हैं।
और उनका रुका हुआ कोई धन है तो वो वापस आने के योग है। सेज की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं आएगी, पारिवारिक तौर पे भी उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2000 बहुत ही अच्छा समय लेकर उनके लिए आ रहा है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार में उनको परेशानी नहीं आएगी। अगर उनके स्वास्थ्य की ओर देखा जाए, स्वास्थ्य की ओर से भी उनको परेशानी नहीं आ रही है। और थोड़ा सा बस मन की बात, अगर किसी से जल्दी से मन की बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन उसको नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। जितना भी हो सके मीन राशि वाले अपने मन की बात या अपनी कोई भी बात दूसरों से जल्दी शेयर ना करें ताकि उनको कोई नुकसान देखने को ना मिले। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे जय माता जरूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन का बटन आप जरूर दबाएं। जय माता दी।